प्रदेश पुलिस आरक्षी सीधी भर्ती परीक्षा 2023 में पकड़ा गया नटवरलाल। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर में प्रचलित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी सीधी भर्ती परीक्षा 2023 में थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत जेवी जैन डिग्री कॉलेज में परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अपना नाम और उम्र बदलकर परीक्षा देने पहुंचा था। बायोमेट्रिक जांच में उसके असली नाम का खुलासा हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। सहारनपुर के एसपी श्री अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि जनपद सहारनपुर में प्रचलित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी सीधी भर्ती परीक्षा 2023 में थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत जेवी जैन डिग्री कॉलेज में परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक के आधार पर पकड़े गए अभ्यर्थी के विरुद्ध पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है, क्या पूरा मामला है, कब की घटना है और क्या? जी हाँ, जो यूपी पुलिस की जो कांस्टेबल भर्ती चल रही है उसमें कल सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में जेवी जैन जो कॉलेज है प्रद्युम्न नगर का, उसके सेंटर में सेकंड शिफ्ट की बात है। ये जो वहाँ पे सेंटर इंचार्ज है वो सूचना देते हैं कि भर्ती बोर्ड से एक इन्फॉर्मेशन आई है कि वहाँ पे एक अभ्यर्थी बैठा है जिसका नाम रवि कुमार है, उसका जो डेटा मिसमैच आ रहा है जो उसने बायोमेट्रिक कराए हैं। और जब उसमें हमने पूछताछ करनी स्टार्ट करी उस अभ्यर्थी से, तो पता चला कि उसका असली नाम धीरज कुमार है, वो रहने वाला बुलंदशहर का है और उसने अपनी एज को कम कराने के लिए, 10 साल कम कराने के लिए उसने पूरी डिफरेंट आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करी थी और इसी वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो सेंटर इंचार्ज थे वहाँ पे सीओ मुनीश, उनकी तरफ से इसमें तहरीर दी गई है। इसमें सदर बाजार थाना क्षेत्र में अभ्यर्थी की सुसंगत धाराओं में उसके मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। उसको आज कोर्ट के सामने पेश करके उसको जेल भेज दिया जाएगा और बाकी जो भी उसके एग्जामिनेशन में एडमिट कार्ड और उसके जो नंबर था, उसका जो डेटा था, वो भर्ती बोर्ड को दे दिया गया है, जो जिसके आगे उसमें वो आगे कार्रवाई करेंगे। पता लगता कुछ और भी इनके साथ साथी हो इनके, जिस तरह जैसे मैंने आपको बताया ये जो इनपुट था वो भर्ती बोर्ड से ही आया था, जो डेटा मिसमैच हुआ है और वो भी इस वजह से हो पाया था क्योंकि किसी अभ्यर्थी ने एक बार 2021 में जो सब इंस्पेक्टर एग्जाम थे वो उसने डिफरेंट आइडेंटिटी दिया था, जब दोनों में आइडेंटिटी मिसमैच हुई तब ये बात निकल के आई। किस तरह के लोगों ने क्या कुछ कहना चाहिए जी? जैसे मैंने आपको बताया शासन की मंशा है कि जो ये एग्जाम हो अपना पूरा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जाम हो और उसी के लिए सभी लोग हम प्रयासरत हैं और इस तरह की अगर कोई कैंडिडेट्स के साथ डिस्क्रिपेंसी आती है जो इंटेंशनली अपनी आइडेंटिटी कंसील करके आइडेंटिटी डिफरेंट बनाकर एग्जाम्स लिख रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।